हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और सुन, सब लोग कल कह रहे थे दी आपने गजरा नहीं लगाया, बहुत कमी महसूस हुई। यही नहीं थे हमको तो इनकी ही कमी महसूस हुई। गजरा कौन लेके आता, यही तो लेके आते। खाली खाना याद रहता, कैसे खा रहे थे समझ रहे थे। मुझे नहीं खानी। खा भैया खा भैया, ये देखो साइज। कैमरे के आगे बिल्कुल नहीं बोलते हैं, एकदम सिप लग जाती है ऑटो में। हटो, दो आलू कौन कौन भूनता है इसमें? करवा चौथ वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसके लिए थैंक्स, दिल से थैंक्स बोलती हूँ। और उसमें मैंने ये कमेंट भी मैंने पढ़ा था जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। और मैं आपके भैया से यही मजाक कर रही थी कि देखो तुम्हारी करनी की वजह से मुझे सुनना पड़ा। अब कम से कम अपनी बीवी के लिए गजरा तो ला ही सकते थे। कोई मुझे कह रहा था थी गरबे करके दिखाना, कैसे करके दिखाऊं, ऐसे ही करते हैं घर में। इस आदमी से शादी करके मेरे सारे सॉक्स बर्बाद हो गए, वरना मैं इतने गरबे करती थी नवरात्रि में, इतने गरबे। मेरी मम्मी मुझे मारती थी, आज तू नहीं जाएगी गरबे गाने, मैं फिर भी जाती थी। और दुनिया भर का मेकअप करके, दुनिया भर की ज्वेलरी पहन के, दुनिया भर के ताम जाम लटका लटका के, मेरे जो कमर के कंदोरे होते थे ना वो चार पांच लंबे लंबे लटकते थे। और जब ऐसे राउंड घूमती थी ना तो कांच वाले कंदोरे पूरे में घूमते थे। यहाँ यूपी में शादी करके मैंने सब कुछ बर्बाद कर लिया। अरे कमर का कमरा हो गया, गरबा दिख ही नहीं रहा है। होने तो उसको लाल एकदम, बार बार ऐसे बच्चे लोग टूट जाएंगे। सब्जी तोड़ी ना तुम ऐसे चला चला के तोड़ रहे हमको। मैं तो जा रहा हूँ जाओ करम गल्ला। करम गल्ला मंगाया तुम? मेरे करम और तुम गल्ला दोनों को मिक्स कर दूंगी। बस लौट फिर के एक ही चीज, जा जा मुझे ना अब याद आ तू। जय है ना, थोड़ी देर के लिए घर पे आते हैं फिर तो वो चले ही जाते हैं। तो बस इसी तरह से हमारी मजाक मस्ती उधम चलती रहती है। और मैं अपने आप को इस चीज़ में बहुत नसीब वाली मानती हूँ कि मैं अपने पति के साथ इस तरह से उधम मस्ती मजाक कर लेती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अरे दी आप अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो। तो हाँ डियर, हम लोग हस्बैंड वाइफ के साथ साथ है ना एक कितने दोस्तों की तरह भी रहना पसंद करते हैं। क्यों, हस्बैंड के संग होता है ना कि काफ़ी औरतें अपनी दिल की बात भी शेयर नहीं कर पाती, और यहाँ मैं हूँ एक बच्चे की तरह उनके साथ उधम मस्ती भी करती हूँ। और हम लोग बहुत अच्छे से कभी कभी रहते हैं, और ये भी है कि झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं कि हमें झगड़ा नहीं होता। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हमें झगड़ा भी हो जाता है, काफ़ी रूठना मनाना भी हो जाता है, लेकिन यही ज़िंदगी के हिस्से हैं, यही ज़िंदगी के पार्ट हैं। इनको जितना खुशी से जी लेंगे उतनी ज़िंदगी अच्छी से बीतेगी। और भगवान से दुआ करती हूँ कि हर किसी को इसी तरह की लाइफ मिले, कि वो अपने हस्बैंड के साथ तो कम से कम अपने दुख सुख हंसी मजाक सब कुछ शेयर कर लें। तो हम लोगों का रिश्ता तो ऐसा ही है, जब मजाक करने बैठते हैं ना तो खूब मजाक मस्ती करते हैं, और जब गुस्सा करने बैठते हैं तो खूब गुस्सा भी कर लेते हैं, फिर दो चार दिन हम आपस में बोलते भी नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में। तो चलिए, वो तो गए स्कूल, हंसी मजाक हमारी हो गई ख़त्म, और मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पर अभी आरू मोलू को ना मैं फ्रेंच फ्राई बना के दे रही थी, और कोई मुझे जो प्रोसेस बता रहा था ना कि बॉयल करके बनाते हैं, हाँ डियर वो तो मुझे पता है, लेकिन उसके लिए ना मेरा फ्रिज है ना वो सर्वाइव नहीं करता। मैं किसी भी चीज़ को अपने फ्रिज में स्टोर करती हूँ ना तो उसमें बर्फ़ जम जाती है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। और फिर मैं काम चलाऊ है ना ऐसे ही बच्चों को बना के दे देती हूँ, ताकि कम से कम बच्चे बाहर की चीज़ तो ना खाएं। और अभी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मलाई में से मक्खन निकाल रही हूँ, क्योंकि घी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फ्रेंच फ्राई
आरू मोलू के लिए। अभी तो इतनी मलाई बाकी है, मैंने आधी से ज्यादा मलाई बना ली है। और ये मलाई देखो, जब मेरी दी सब्सक्राइबर मेरे घर आई थी ना, तब एक तारीख थी, वो गई थी ना तब एक तारीख थी, फिर मैंने 5 तारीख को मलाई बनाई थी और 5 तारीख से आज फिर 1 तारीख हो गई है। और ये देखिए मलाई, 1 महीने में इतनी मलाई हो जाती है, इतनी और 1 कटोरा और थी जो कि अभी बन रही है। मैंने रख दिया यहाँ पे घी बनने के लिए, क्योंकि आज घर में बिल्कुल भी घी नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा तो बना लेती हूँ, थोड़ा मैं कल परसों बना लूँगी, एटलीस्ट घर में खाने लायक तो घी आ जाए। तो मैं 1 महीने में घी बनाती हूँ और 1 महीने में जितना घी बनाती हूँ उतना मेरा ख़त्म भी हो जाता है, तो यही प्रोसेसिंग चलती है। लेकिन इतना है कि घी के लिए मुझे स्पेशल पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, मैं मलाई में से ही घी बना लेती हूँ। और आज तक मैंने कभी भी घी पैसों से ख़रीदा ही नहीं है, जब से शादी होकर आई है तब से। और उसके बाद ये जो सारे बर्तन वगैरह रखे थे ना, तो वो मैं उनको उनकी जगह पे रख दूंगी, पहले बास्केट खाली करूंगी, उसके बाद करूंगी शाम का काम स्टार्ट। और काम स्टार्ट करने से पहले जो छोटे मोटे काम थे ना, वो मैंने कंप्लीट कर लिए, क्योंकि फिर खाना बनाऊंगी तो फिर घी वगैरह बन नहीं पाएगा और मुझे पहले घी बनाना था, तो मैंने वो काम कर दिया। और जय के साथ उधम मस्ती तो हो ही चुकी, वो जा भी चुके हैं, और अब मैं लग गई अपने जो शाम के नॉर्मल काम होते हैं उनमें। तो आज सुबह ना मैंने जूस बनाया था, जिसमें टमाटर, मूली और करेला मैंने लिए थे। और ये जूस मैंने अपने ससुर के लिए बनाया था, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है ना, तो वो इस तरह का जूस है ना सुबह पीते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, तो फिर मैंने बना के दिया। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर करती हूँ कि ये जो जूसर मिक्सी है ना, इसके अंदर हर तरह का जूस निकल जाता है, और इसके जो बीज होते हैं ना, ये पिसते भी नहीं है, इनका कड़वापन इतना ज़्यादा इसमें नहीं आता। क्योंकि कोई मुझे पूछ रहा था कि दी मौसम्बी के जूस है ना, जब आप बनाते हो तो उसके बीज पिस जाते हैं, तो नहीं डियर, नहीं पिसते। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अटैच कर दिया, जो जूसर मिक्सी के टूल्स होते हैं वो, उसके बाद सारी चीज़ों को डाल के बस इस तरह से जैसे
अब बाजार में निकलता है ना, मार्केट में जिस तरह का जूस हमको मिलता है ना, सेम उसी तरह का जूस निकलता है। ना ही आपको छानना पड़ता है, ना ही इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा के पार्ट जो होते हैं ना फ्रूट के, वो आते हैं। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा ही जूस उनके लिए बनाते हैं। एक करेला था, उसमें आधी मूली थी, एक टमाटर था, बस इतना ही। और ये मानिए कि आधा ग्लास के करीबन। तो इसको आप दोनों तरीके से चला सकते हो। पहले आप इसको ऑन करोगे तो ये सीधा चलेगा, उसके बाद उल्टा चलेगा। उल्टा इसलिए चलता है ताकि कोई भी पार्ट्स फ्रूट के अगर फंस गए हो तो वो निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जूस बनके हो गया रेडी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना जूस चाहिए। बस आधा ग्लास जूस बहुत होता है। और अभी ये शाम का टाइम, जो कि मैंने घी बनाया था, तो कम से कम 500 ग्राम से ज़्यादा घी बन चुका है। तो ये शाम के खाने में काम आ जाएगा। तो चलिए इसको रख देते हैं और फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो यहाँ मैंने बनाई है आलू प्याज की सब्जी, जो ग्रीन वाली प्याज होती है वो हमारे घर में सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो ये मैंने बनाई थी। और इसी के साथ है ना, जो आपके साथ मूली की सब्जी शेयर करूँगी ना, वो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, तो वो भी दिखाती हूँ। और ये वाली सब्जी भी मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, आज भी बनाई थी, लेकिन मैंने आज शूट नहीं की। तो मैंने सोचा 2 दिन पहले वाली जो रखी है वो शूट करती हूँ। और ये मूली की सब्जी की रेसिपी कोई मांग रहा था ना, तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मूली की मूली को उबाल लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से निचोड़ देती हूँ, फिर ना जीरा भून लेती हूँ, प्याज भून लेती हूँ, उसके बाद इसमें नमक डाल दूंगी, हल्दी, मिर्ची, ये सारे पाउडरी मसाले डाल दूंगी। और इसको अच्छी तरह से ना 10 से 15 मिनट है ना ऑयल में ही फ्राई करूंगी, जब तक कि एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। और 2-3 साबुत लाल मिर्ची होती है, उनको तोड़ के मैं डाल दूंगी। और बस इनको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है और भूनते रहना है थोड़ी देर तक। बस ये सब्जी बन के हो जाएगी रेडी। तो चलो, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी ये वाली शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। फिर आप बोलोगे कि दी आपने ये यूज़ किया और हमको बताया नहीं। तो किचन के पूरे काम ख़त्म करके और अब मैं आई हूँ फटाफट से आप लोगों को शॉपिंग दिखाने। तो ये मैंने मंगाया है अमेजोन से, ये हैं पर्दे इस तरह से। ये मैंने 4 मंगाए हैं, 2 तो मैंने उठा के रख दिए। और कहाँ से खुलेंगे, इनकी ना पैकेजिंग बड़ी अच्छी आती है, एकदम खादी कॉटन जो होता है ना, देखो मस्टर्ड कलर है और इस तरह का इसका फैब्रिक है। और मुझे कुछ है ना इसी टाइप के चाहिए थे, क्योंकि मैं ना वैसे नहीं चाह रही थी, वो शाइनिंग वाले जो आते हैं ना ऐसे नहीं चाह रही थी। तो ये रहा इसका फैब्रिक, ये वाला। और इसके साथ में मैंने ये जो पर्दे हैं ना ये बनाए हैं घर पे, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा लगेगा, एक लाइट एक डार्क, थोड़ा सा प्रिंटेड और ये प्लेन। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये मेरे एक पर्दा बन चुका है, दूसरा अभी मेरा चल रहा है। उसकी ये जो पट्टी है ना, ये इस तरह की पट्टी वो लेके आनी है, ख़त्म हो गई है, आज लेकर आऊंगी। वो पर्दे मेरे पूरे जो पेयर है ना वो बनके हो जाएगी रेडी। ये पर्दे हैं, ये 4 पर्दे आए हैं मेरे 1000 रुपीज के, मैंने अमेजोन से मंगाए हैं, 5 फीट के हैं, तो मुझे कुछ भी काटना पीटना छिलना नहीं पड़ेगा ये। और इसके साथ में ना एक और चीज मंगाई है मैंने, ये मैंने मंगाया है मीशो से। ये देखिए, ये लग रहा है ना कि इतना सा फिलर, ये बहुत पतला है। ये मैंने मंगाए हैं कुशन कवर, कुशन मंगाए हैं क्योंकि मेरे घर पे ना ये जो कुशन कवर है ना, इनके अंदर मैंने अपने बेड शीट वगैरह सब भर रखी थी ना, तो बहुत ज़्यादा वेटेड हो जाता था, तो सर रख के लेट नहीं पा रहे थे। तो भरने के बाद है ना ये कुछ इस तरह की साइज़ में हो जाएगा। इसके अंदर मैंने भर भी दिया है, क्योंकि मैंने 2 मंगाए थे, शायद ये 300 या 350 के 2 आए हैं। और हम खुद भी बनाने जाते हैं ना तो ये 300 से महंगे ही पड़ते हैं। देखिए, ये एक मैंने इसके अंदर कल भर के देखा कि ये कैसे हैं। और ये कुशन फिलर, तो ये कुशन फिलर है ना, ये 18x18 के हैं और कितना अच्छा है। इस पर हम लेट जाते हैं ना तो एकदम पिचक जाता है, और जैसे ही हम खड़े होते हैं तो फिर से ये अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाता है। ये तो मैंने ये 2 फिलर मंगाए हैं ताकि मैं अपने दोनों कुशन के अंदर डाल सकूँ। और अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। और उसके बाद एक और मंगाया है, क्योंकि अब है ना जल्दी जल्दी दिवाली आ रही है, तो मुझे डेकोरेशन कंप्लीट करना है। और मेरा सामान है ना अभी तक ऑनलाइन में से मुझे रिसीव ही नहीं हो पाया है। ये देखिए, एक मैंने मंगाया है ये आर्टिफिशियल प्लांट, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर कोई भी ग्रीनरी ऐड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना कोई भी पौधे सर्वाइव नहीं करते, कोई खिड़की नहीं, कोई कुछ नहीं, हवा नहीं, उजाला नहीं। तो कितना भी हो ना, अगर हम अपने घर के अंदर प्लांट रख रहे हैं ना, चाहे फिर वो इंडोर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। मेरे घर में दिन में भी लाइट ना जलाऊं तो अंधेरा हो जाता है। तो ये एक फेक प्लांट है, ये 600 रुपये का आया है, क्योंकि सस्ता ही है। बाहर लेने जाएंगे ना तो 1000-1200 से कम में नहीं मिलता। मैं हर बार जाती हूँ और भाव देख के वापस आ जाती हूँ।
तो एक ये रहा। और सबसे प्यारी चीज जो मुझे लगी है ना, मैं इतनी ज्यादा हैप्पी हुई मीशो की इस वाली शॉपिंग से कि मैं बता नहीं सकती। रियली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और आप लोग भी लेना, इसकी पैकेजिंग देखना, ये जो एयर बबल वाली जो होती है ना पॉलिथीन, वो है। और इसके बाद इस तरह का देखो, इस तरह से पैक किया हुआ ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि ये चीज है ना कांच की है। चलो खोलते हैं। मैंने खोल के चेक कर ली थी, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है ना फ्लावर वास। इसके हम अंदर रियल फ्लावर जो होते हैं ना डंडी के साथ आते हैं वो भी रख सकते हैं, और फेक वाले तो रख ही सकते हैं। तो ये मुझे मिले हैं दो की पेयर। ये दो की पेयर है, मैंने खोली नहीं है क्योंकि कहीं टूट फूट ना जाए। तो इसको मैं दिवाली पे यूज करने वाली हूँ। कहाँ क्या करूंगी वो सब आप देखना, सब वीडियो बनाऊंगी तब। और ये 350 में दो है, कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको लेना है ना तो अभी भी आप लोग ऑर्डर कर दो, ताकि दिवाली तक आपके घर में ना ये आपको मिल जाए, रिसीव हो जाए। क्योंकि फिर त्यौहार आ रहा है, त्यौहारों पे फिर चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होंगी। ये दूसरा वाला भी मैं देख लेती हूँ, टूटा वूटा तो नहीं है, जहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि टूटा होगा। और मैंने जितना भी सामान मंगाया था ना, जो भी मैंने रिटर्न किया, जो भी किया ना, एक्सचेंज किया, रिफंड किया, मेरा तो एक्सपीरियंस मीशो के साथ बहुत अच्छा रहा। ये भी देख लेते हैं कैसा है। वेरी गुड क्वालिटी, देखो इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, कलर भी बहुत प्यारा है। तो ये दो मिले हैं मुझे 350 में दो। मैं तो कम से कम एक को ही सोच रही थी 500-600 में मिलेगा कम से कम, लेकिन बहुत अच्छा है 350 में। एकदम फैंसी डिजाइन है, पर अलग अलग आए होते ना तो और अच्छे लगते हैं। दो डिजाइन हो जाती है मेरे पास, तो अभी इसको रख देते हैं। ये शॉपिंग कल ही आई है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। कल ही मुझे रिसीव हुई है सारी चीज़ें, और अभी बहुत सी चीज़ें मेरी अभी पेंडिंग पड़ी हैं, जब आएंगी ना तब आपके साथ में शेयर करूँगी। और एक चीज़ और बोल दूँ, सारी चीज़ें खुद के पैसे से मंगा रही हूँ। आके ना कई लोग कमेंट करके बोलने लगते हैं ना, तो पैसा खर्च करो फिर मालूम पड़ेगा कि चीज़ें कैसे घर में आती हैं। और बड़ी मेहनत से मैं एक एक पैसा जोड़ जोड़ के ना अपने घर को सजा रही हूँ, अपने घर के लिए चीज़ें मंगा रही हूँ। मैं भी बहुत कोई करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन कर रही हूँ। तो कमेंट करने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा करोड़पति हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह मिडिल क्लास ही हूँ, लेकिन मुझे पसंद है ये सब चीज़ें। और जितना मेरी हैसियत है ना उससे उतना मैं करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। आप लोग बोलते हैं ना सोफ़ा बदल लो, ये बदल लो, वो बदल लो, नहीं कर सकती मैं इस साल कुछ नहीं कर सकती। और अपने बेड को मैं कलर पेंट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कारपेंटर से बात की ना, तो उसने बोला आप कलर पेंट कर दोगे ना तो कोई भी कारपेंटर वाला इसको रिप्लेस में नहीं लेगा। मैं जो इसका हेड है ना इसको रिप्लेस करके दूसरा हेड मंगवाने वाली हूँ, लेकिन दिवाली बाद होगा वो। अभी कोई भी कारपेंटर इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो रहा, और कम से कम 8-9 हज़ार का खर्चा है उसमें। तो ये वाला अगर मैं ना जो हेड है ना ये दे दूंगी ना तो मुझे 2-3 हज़ार का फायदा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कलर पेंट नहीं कर रही हूँ। वो लोग इसका रीयूज कर लेंगे और मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। तो घर को ना थोड़ा सा दिमाग से भी चलाना पड़ता है, ये नहीं कि बस पैसे ही खर्च करते रहो। तो 8 हज़ार में से अगर मुझे 2-3 हज़ार का फायदा हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा ही है ना। तो मैं करवाऊंगी दिवाली बाद, करवाऊंगी धीरे धीरे करवाऊंगी, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है। और देख रही हूँ मैं और कोई शॉपिंग है, अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। अभी क्या पता आज आएगी कि कल आएगी, जब भी आएगी तो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि दी आप वीडियो रोज़ नहीं डाल रहे हो। डियर मैं तो रोज़ डाल रही हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा। तो नहीं आ रहा है ना तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको रेगुलर मेरी वीडियो 1:30 से 2 बजे के बीच जो मैं डालती हूँ ना वो मिल जाएगी। और कभी कभी लेट हो जाती हूँ तो 2:30 भी बच जाता है 3 भी बच जाता है, लेकिन मैं डालती जरूर हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड। बाय बाय, लव यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।